अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रोल ऑफ स्टूडेंट इन देयर असेसमेंट। तो अपर प्राइमरी क्लासरूम है, बच्चों के असेसमेंट में बच्चों का क्या रोल होगा। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की ना, तो बच्चों का रोल यही है कि हम बच्चों को इंक्लूड करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मेक डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर हाउ मार्क्स वुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन क्लास। मार्क्स को कभी भी प्रेस्टीज से नहीं जोड़ना है कि जो फर्स्ट आ रहा है या जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं वही प्रेस्टीजियस है, ऐसा नहीं है। मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया है, सब कुछ वो हमारी लाइफ का डिसाइड नहीं करते। स्टूडेंट वुड बी सोल डिटरमिनेंट ऑफ देयर असेसमेंट। बच्चा अकेला है? नहीं, अकेला नहीं है। टीचर का भी रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद टीचर। यस, बच्चे और टीचर मिलके असेसमेंट को प्लान करेंगे साथ में, टुगेदर, तो ये हो सकता है। डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज अ रोल इन टीचिंग लर्निंग, ये कहना कि असेसमेंट का कोई रोल नहीं है ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर हो गया 3, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर मिलकर प्लान करेंगे।